आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी राजनीतिक पार्टियों को बेसब्री से इंतजार था, और खासकर लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी को इंतजार था। प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने शपथ ग्रहण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत कर दी। अब नजरें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मेनका गांधी हैं वो लोकसभा की अध्यक्ष हो सकती हैं। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही सोमवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत नव निर्वाचित सांसदों ने निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। संसद का बजट सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। वहीं पहले ही दिन इस पूरे संसद में एक खास राजनीति देखने को मिली। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से चुनाव जीतकर आए बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी का नाम जब शपथ ग्रहण के लिए लिया गया और उन्हें बुलाया गया तो भाजपा सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ममता दीदी नाराज हो जाती हैं और अक्सर भाजपा कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं जानकारी देते चलें कि संसद के पहले नेता के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और फिर पीठासीन अध्यक्ष, पैनल के सदस्यों और बाद में केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ली। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों में पिछली बार जहां मेनका गांधी शामिल थीं, इस बार मेनका गांधी की जगह स्मृति ईरानी को ले लिया गया। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुकारा गया उसके बाद सांसदों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया और वहीं भाजपा सदस्यों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में शपथ ली। आपको बता दें कि मेनका गांधी के लिए ये आखिरी मौका है कि उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए, और अगर बाई चांस मेनका गांधी को लोकसभा का अध्यक्ष ना बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भाजपा छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।